हैं, जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इसमें 65% छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। शाहिद बशीर ने टॉप किया है। बदीपुरा चडूरा बडगाम के शाहिद बशीर ने 496 अंक हासिल किए हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा के वार्षिक नियमित परिणाम में कला और वाणिज्य वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 2 छात्र सरकारी स्कूल से हैं, जबकि विज्ञान वर्ग में टॉप करने वाला 1 छात्र एक निजी स्कूल से है। केंद्र शासित प्रदेश में लड़कियों ने एक बार फिर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षाओं में लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। लड़कों के 61% पास के मुकाबले में लड़कियों का पास प्रतिशत 68% रहा है। और चलिए इस पर और बात करेंगे जो नतीजे आए हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे सहयोगी आबिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आबिद के साथ शाहिद बशीर भी हैं जो इस बार 12th के टॉपर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। आबिद, बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि 12वीं के नतीजे आ गए और इन नतीजों में शाहिद बशीर ने टॉप किया और आपके साथ मौजूद हैं, उनसे इस कामयाबी के बारे में जरूर बात कीजिए। बिल्कुल हुर्रा, सबसे अहम है बड़गाम का बादीपुरा इलाका है, ये एक थोड़ा बहुत जिला सदर मुकाम से काफी दूर है, और क्योंकि बड़गाम की पहले हम माजी की बात करें, यहाँ पर ये अपने नवेद का शायद पहला मौका है जब यहाँ का नौजवान टॉप कर गया है। बात करेंगे सीधे शाहिद से। शाहिद, पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया। मुझे बताओ किस तरह का ये सफर रहा, और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कल रिजल्ट आया, रिजल्ट जो ही सुना कहाँ थे और उसके बाद क्या रिएक्शन था, क्या एहसास था? जी, जब रिजल्ट आया तो यू नो इट थोड़ा सडन ही था, तो इतना नहीं था कि इतना जल्दी आ जाएगा, फ्राइडे को ही रिजल्ट आएगा, पीपल आर एक्सपेक्टिंग सैटरडे या मंडे आ जाएगा। तो मैं क्रिकेट खेलने था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो पापा ने आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पापा कि आपके जो है रिजल्ट्स आ गए। तो नॉर्मली मैंने वेबसाइट खोली और मैंने देखा कि रोल नंबर के साथ साथ जो है बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन नंबर की भी जरूरत रखी है रिजल्ट चेक करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि लंबा सा होता है, 10-15 डिजिट का होता है, तो याद नहीं था। तो मैं घर आ गया, पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कार्ड ढूंढा बोर्ड का, एंड जब मैंने रिजल्ट उसमें डाला ये रजिस्ट्रेशन नंबर अपना, सो आई गॉट द रिजल्ट। जब मैंने रिजल्ट देखा तो एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, क्योंकि इस बार मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऑलमोस्ट 480 अराउंड मार्क्स होंगे मेरे, इतना मैंने अपने पेपर्स को एनालाइज करके देखा था। बट आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स तो एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था कि नहीं, आई गॉट द ऑप्टिमम रिजल्ट। एंड पहले पहले अल्लाह ताला का शुक्र, बहुत ज्यादा शुक्र कि उन्हीं की वजह से ऐसा पॉसिबल हो गया। यू नो, एक बच्चा अपनी एक लिमिट तक हार्डवर्क कर सकता है, उसके बाद जो है बॉल इज इन अल्लाह कोर्ट, तो वहीं से वो जज करते हैं कि क्या होगा, कैसे गवर्न होगा, किसका क्या कहाँ से रिजिक लिखा होगा किसका। सो आफ्टर दैट मैंने डायरेक्टली पापा और मम्मा के पास में आ गया, जो घर पे ही थे उस टाइम दोनों, तो वो भी चेक कर रहे थे अपनी तरफ से, बट उनको भी रजिस्ट्रेशन नंबर की ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे रिजल्ट आया मेरा, तो यू नो उनका रिस्पॉन्स देख के भी सब खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। मम्मा वो उनको आंसू आ गए उनकी आंखों से, तो उस टाइम पता चलता है कि कितना होता है इनको अपने बच्चे का, यू नो माँ का प्यार कैसा होता है। माय पापा हग मी, व्हिच इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। तो उसके बाद वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होता है सबका, फिर बाकी रिलेटिव्स आने लगे, दोस्त फ्रेंड्स कॉल करने लगे, या हर जगह से कॉल आने लगे, यू नो इट्स जस्ट अ हैप्पी मूड फ्रॉम एवरीवेयर। अच्छा मुझे बताओ, अब आपने टॉप कामयाब हुए, टॉप किया, कैसा ये सफर रहा, कितनी मेहनत करी और किस तरह की स्टडीज आपने की ताकि ये नतीजा आए? जी, मैंने पहले ही बोला कि ये अभी हमें लगेगा कि वन डे वंडर है, कि लाइक हाँ ये एक 12th का बोर्ड एग्जाम था तो इसमें अच्छा हो गया, बट एक मैं बिलीव करता हूँ कि एक प्रोसेस होती है जो यू नो हमारी मिडिल डिपार्टमेंट प्राइमरी डिपार्टमेंट से ही स्टार्ट होती है। यू नो अगर आपकी वो क्लासेस में आप अच्छा करते आ रहे हो, यू नो आपको आगे रिजल्ट के लिए एक्सपेक्टेड होंगे कि आगे आप अच्छा करोगे, इसके लिए आपने पहला एक बिल्डअप गेन किया होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रोग्रेसिव थिंग है, एक 10-12 साल की इसमें प्रोसेस लगती है जो अप्स एंड डाउन से भरी पड़ी है। यू नो आज की स्टूडेंट की लाइफ बहुत मुश्किल है आज के आराम है खासकर। यू नो हमें लगता है कि फैसिलिटीज ज्यादा है तो इजी ज्यादा है, बट लाइक फैसिलिटीज जब ज्यादा होंगी तो कॉम्पिटेटिव भी उतना ज्यादा होता है। यू नो एक अप्स एंड डाउन से भरी जर्नी रहती है, एंड इसमें यू नो अल्लाह ताला पे भरोसा रखना होता है थ्रू आउट द जर्नी। इसमें अप्स एंड डाउन तो आएंगे ही आएंगे,
उस पर भी जो अपने फैमिली साथ होती है, अपने टीचर्स का साथ होता है, जिनने पढ़ाया होता है, वन ऑफ द अदर वे जिनने गाइड किया होता है इधर थ्रू देयर एकेडमिकली, सोशली, फाइनेंशियली, वन ऑफ द अदर वे, दुआओं के थ्रू इवन. तो You know, it's just a wonderful experience. अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्टडीज. अच्छा मुझे बताइए, क्योंकि एक बच्चे को कामयाब होने में उसके वालदेन का अहम रोल होता है, आपके वालदेन का कैसा सपोर्ट रहा, माँ बाप का कैसा सपोर्ट रहा और कितना मोटिवेट कर रहे थे? जी जी, वालदेन का तो डायरेक्ट इसमें रोल रहता है, क्योंकि पहले वो फाइनेंशियल जो इनपुट होता है वो उनका रहता है, एंड आफ्टर दैट उनकी दुआएं, वो तो मतलब दैट इज वो आपकी पार्ट टू सक्सेस है एक्चुअली. एंड जो मेरे पापा हैं, ही इज एक्चुअली एन इंजीनियर इन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो जो लाइक वो उनका जो एकेडमिक सपोर्ट रहता है वो काफी था, अप टू 10th 11th क्लास इवन, जो जहां पे भी डिफिकल्टीज आती थी तो वी हेल्प देयर. और इसके बगैर जो होता है एक इमोशनल सपोर्ट होता है मम्मा और पापा का, यू नो आप उनके साथ बहुत कीन रिलेशनशिप में होते हो घर पे, दैट इज द क्लोजेस्ट यू आर विद एट इस स्टेज पे, आप अपने मम्मा पापा के सबसे ज्यादा क्लोज होते हो, तो आपकी जो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दे आर द फर्स्ट पीपल यू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद. तो उसके बाद जब भी कहीं पे भी ड्यूरिंग द जर्नी डार्क फेजेस आते हैं, जैसे इस साल हमारा सेशन चेंज हो गया था, तो हमारा मार्च में एग्जाम था जो कि पहले अक्टूबर नवंबर में होता था, तो जो ही नवंबर जो ही हमारे मार्च में एग्जाम्स आ गए, हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी मई में थे, तो वो क्लैश कर गया उस टाइम पे. तो उस टाइम पे लगा था कि नहीं, दोनों तो नहीं हो पाएंगे एटलीस्ट, चलो एक तो मैं एक तो कर लूंगा, या बोर्ड्स कर लूंगा या एंट्रेंस एग्जाम्स कर लूंगा. बट यू नो तब उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू बोथ, जस्ट बी काम. तो वो एक इमोशनल सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. बिल्कुल बिल्कुल हुरेरा, मेरे साथ इनके वालिद है, जैसे इन्होंने आबिद हम जरूर आएंगे, और शाहिद बशीर के वालिद साहब हैं, उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे बेटे की कामयाबी के पीछे उनका कितना बड़ा हाथ है, इस पर भी हम बात करेंगे. बहुत बड़ा मौका इस फैमिली के लिए है और खासतौर से वालिदैन के लिए. लेकिन इस वक्त श्रीनगर से हमारे सहयोगी सरोज कफील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं. दोबारा से आबिद आपके पास आ रहे हैं. सरोज, जेके बॉस यानी 12th का जो रिजल्ट है वो एक तरह से आ गया है, बच्चों में एक खुशी है, और खास बात इस बार हमने ये देखी है कि जो सरकारी स्कूल है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी टॉप किया है. सही कहा आपने, सरकारी स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ही टॉप किया है इस बार. इसकी खास एक वजह ये भी बता दूं आपको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पर अभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उस पर खासा ही फोकस रहा है. आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में आजकल जितने भी डीसीज हैं या जितनी भी अथॉरिटीज है जो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जुड़ी हुई है, उनके रेगुलर दौरे हो रहे हैं आजकल इन गवर्नमेंट स्कूल्स में. वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खासा ही फोकस है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर खासा ही फोकस है. और उसके मजीद आपको बता दूं कि बिल्कुल बिल्कुल खुशी मन रही है, इस वक्त करीबन 1,20,000 से ज्यादा स्टूडेंट थे जे एंड के यूटी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और 82,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जो कामयाब हुए हैं. लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड है, कल उनकी एक रेगुलेटरी पास हुई थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो भी बच्चे जिनको भी कोई डाउट हो मार्क्स से रिलेटेड, लेकिन वो री इवैल्यूएशन के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं. तो री इवैल्यूएशन में क्या होगा कि अगर उनको कहीं लगता है कि उनके मार्क्स कम हैं तो वो एक बार फिर से बैठ सकते हैं, अपने पेपर्स को क्रॉस चेक करा सकते हैं. लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि अगर किसी के 20% से कम मार्क्स आए हैं वो एलिजिबल नहीं है उसके लिए. और आपको यहां पे ये भी बताना चाहेंगे हुरैरा कि पहली बार मार्च का सेशन हुआ है, जो ये 12th के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, मार्च अप्रैल का सेशन हुआ है. जैसे आप देखते होंगे कि एनसीईआरटी या जैसे सीबीएसई बोर्ड्स होते थे वैसे ही. हालांकि पहले जो अगर हम बात करें तो पहले जब श्रीनगर के सेशंस होते थे 12th के या 10th के, वो अक्टूबर टू अक्टूबर सेशन रहता था. इस बार जो ये रिजल्ट्स आए हैं ये पहली बार मार्च का सेशन रहा था. जी हुरैरा, बिल्कुल सरोज, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि 1,20,000 से ज्यादा स्टूडेंट इस बार अपियर हुए थे, और इसमें भी देखा जाए तो हर बार की तरह लड़कियों ने फिर एक बार बाजी मारी है लड़कों के मुकाबले में. बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियों ने इस बार भी यहाँ पे बाजी मारी, और यही स्टेटमेंट आपने पहले भी देखा होगा कि 12th के जब भी एग्जाम्स आ रहे हैं मोस्टली अभी दिल्ली के रिजल्ट्स थे या कहीं और पे भी लड़कियां ही बाजी मार रही है. 68% जो है लड़कियों के आए हैं और वही लड़के जो है उनके 61% आए हैं, और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 12th की तो 65% है जो यूटी में कामयाब हुए स्टूडेंट्स. जी हुरैरा, तो बिल्कुल सरोज हमारे साथ बने रहिए. हमारे साथ इस वक्त आबिद भी जुड़े हुए हैं, और खास बात यह है कि आबिद के साथ
ट्वेल्थ में शाहिद बशीर हैं जिन्होंने इस बार टॉप किया है ट्वेल्थ जम्मू कश्मीर में। अभी मैं आपके पास आना चाहूंगा, शाहिद बशीर के वालिद साहब भी आपके साथ मौजूद हैं, उनसे उनके बेटे की कामयाबी के बारे में जरूर पूछिए, किस तरह से उन्होंने गाइड किया और किस तरह से उन्होंने पूरी सरपरस्ती की है। बिल्कुल हुरेरा, डायरेक्ट उनके वालिद से बात करेंगे क्योंकि इनका अहम रोल है। जैसे इन्होंने पहले ही कहा कि जब इंसान का कोई भी डार्क साइड होता है तो वालिदैन वो शख्स रहते हैं जिनके पास इंसान पहले जाता है, तो डायरेक्ट इनसे बात करेंगे। आपको पहले हमारी टीम की तरफ से मुबारकबाद। खैर मुबारक। मुझे बताइए किस तरह से आपने गाइड किया, किस तरह से मेहनत की, किस तरह से आप अपने बच्चे पर नजर रख रहे थे और आज ये मौका मिला, और उससे पहले खुशी कितनी है? खुशी बहुत ज्यादा है, खुशी की कोई इंतहा ही नहीं है। खुशी हम काउंट नहीं कर सकते, हम तोल नहीं सकते हैं, इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट खुशी का कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा, किस तरह से आपने गाइड किया, किस तरह से सपोर्ट दिया और क्या आपके दिमाग में चल रहा था अपने बच्चे को लेकर? किसी की बच्चे की कामयाबी में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को प्रेशर ना करें, बच्चों को प्यार दें, बच्चों का मॉरल बूस्ट करें, उनकी जो कोताहियां हैं उनकी तरफ ज्यादा ना देखें, उनको मॉरल बूस्ट करें ताकि वो जिंदगी में कामयाब हो सके, उनके साथ रहें, उनकी कमजोरियों को समझने की कोशिश करो, एंड डोंट पुट देम अंडर अ प्रेशर टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। जो अल्लाह ताला ने उनको मुकद्दर में लिखा होगा वो कहीं ना कहीं से उनको मिल ही जाएगा। लेट देम बी देयर फ्रेंड्स, उनको अच्छी तरह से सिखाओ और उसके बाद सारा खेल अल्लाह पे छोड़ दो, उसी के फासले का वेट करो। अच्छा, क्योंकि आपने बात कही प्रेशर न डालो, कभी ऐसा मौका आया जब शाहिद ने बोला वो कुछ करना चाहते हैं और आपने अलग रास्ता चुना या फ्रीडम दी पढ़ने में? शाहिद इज नॉट ओनली माई सन, ही इज माई डियरेस्ट फ्रेंड, मैं उसको एक दोस्त की तरफ से ट्रीट करता हूँ। जब भी कहीं पे कोई परेशानी हो गई तो मिल बैठ के हमने उसका एक हल निकाला, तो कभी कोई प्रेशर ना किया, जो इनकी चाह था जो ये करना चाहते हैं। आज भी इवन दो आफ्टर गेटिंग अ पुश पोजीशन इन 12th क्लास एग्जाम्स, मैं इस वक्त भी यही बात करता हूँ कि जो भी ये आगे करना चाहेंगे अपना ऑप्टिमम दे के अपनी मर्जी से करें, मेरा उसमें कोई प्रेशर ना रहेगा। और मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है कि बच्चों को कभी प्रेशर ना करें, उनका जीवन जाया ना करें, उनको अपने ढंग से चलने दें, बस उनकी हौसला अफजाई करते रहें। अच्छा, आपने बात की, अब प्लान क्या है शाहिद को लेकर, क्या प्लान है, किस तरह से गाइड करेंगे आगे? अभी एक ड्रीम हमने सेट किया हुआ है कि वी आर होपफुली वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ योर नीट का एग्जाम उन्होंने दे दिया है, वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, होपफुली ही विल फाइंड हिज नेम इन दैट लिस्ट आल्सो, उसी का अभी हम इंतजार करें। अभी इतना प्लान है कि देखें कौन सा कॉलेज मिले या ना मिले, बट वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला के फजल करम से मिलेगा। वी आर वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट वेरी ईगरली, लेट अस वेट फॉर दैट, उसके बाद देखें कि आगे क्या करेंगे। बिल्कुल हुरेरा, अब ये इंतजार कर रहे हैं क्योंकि शाहिद ने नीट का एग्जाम दिया है यानी डॉक्टरी का एग्जाम दिया है और आने वाले वक्त में उसका रिजल्ट आएगा, तो फैमिली में अब होपफुल है। हालांकि इन्होंने अच्छी बात कही कि वालिदैन को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अभी तो क्योंकि शाहिद आपके साथ हैं और बिल्कुल इस बार 12वीं के नतीजों में उन्होंने टॉप किया है, तो उनकी कामयाबी का राज तो आपने जान लिया, लेकिन जो बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं जो नाकाम हो जाते हैं उनके बारे में भी पूछिए, और इसके अलावा क्या कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों के बारे में जो अब आने वाले सालों में ट्वेल्थ में अपियर होंगे और उन्हें ट्वेल्थ का एग्जाम देना होगा, किस तरह से उसकी तैयारी करें, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन की जाए, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जो इनका विनिंग फॉर्मूला है उसके बारे में इनसे पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, शाहिद से बात करेंगे हम। शाहिद मुझे बताओ, क्योंकि नाजरीन देख रहे हैं हमें, आप कामयाब हुए, आने वाले वक्त में बहुत सारे बच्चे ट्वेल्थ के एग्जाम में बैठेंगे या दूसरे इम्तिहान में बैठेंगे, राज क्या है, किस तरह की उनको स्टडी करनी चाहिए ताकि कामयाब हो? देखिए, ऐसा लगता है कि लोग पूछते हैं कि टॉपर्स सीक्रेट, ऐसा कोई टॉपर्स सीक्रेट कुछ भी नहीं होता है, ये एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही काम करना है, बट लाइक वट एवर यू आर डूइंग डू इट कंसिस्टेंटली। अगर आप आज एक घंटा पढ़ रहे हो, कल दो घंटा पढ़ रहे हो, तीसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, वैसा ना करो। जैसे अगर आप आज आधा घंटा पढ़ रहे हो, कल एक घंटा पढ़ रहे हो, डू दैट कंसिस्टेंटली। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की फाइनली, क्योंकि उसी के साथ आपको एक फ्लो बढ़ जाता है, देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग आवर्स एज वेल। आप आज पांच घंटा पढ़ रहे हो, कल छह भी पढ़ सकते हो, बट लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक घंटा पढ़ रहे हो, कल दस और तीसरे दिन कुछ नहीं।
दैट इज मेरे हिसाब से दैट इज अ मिस्टेक. एंड यू नो ऐसा कोई खुफिया सीक्रेट नहीं होता है, जस्ट इट्स जस्ट अ नॉर्मल पाथ, जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, बट लाइक रोज पढ़ना है. सो दैट इज द की. बिल्कुल, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक स्टूडेंट को कामयाब होने के. लेकिन कई सारे जो स्टूडेंट्स है वो इस बार कामयाब नहीं हो पाए हैं, फेल हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिम्मत हारे हुए होंगे, क्या मैसेज देंगे? जी, हर किसी फील्ड में यही बात मैंने इससे पहले भी कही बात कि यू नो देयर इज हमारा एक ह्यूज ह्यूमन विजन जो होता है ना, वो कहीं एक्सटेंट तक देख पाता है, बट उसके आगे क्या है वो हमें नहीं पता होती है. बट अल्लाह ताला का जो मास्टर प्लान होता है ना, वो एक बड़ा वसी मास्टर प्लान होता है. तो यू नो हमें उसमें बिलीव करना चाहिए. जो कामयाब नहीं हुए हैं, जस्ट गैदर योर सेल्फ. हाँ, इट्स एन हार्ट ब्रेक. मैं ऐसे मतलब उनके साथ ये सिंपथाइज वगैरह करके ये नहीं बोलूंगा कि चलो कोई बात नहीं. वो हाँ, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है. वी शुड एक्सेप्ट दैट फर्स्ट कि उस बच्चे पे क्या बीत रही है वो उसी को पता है. वो हम में से कोई नहीं कर सकता है फील जो वो फील कर रहे हैं. बट लाइक उसको मेरे हिसाब से यू जस्ट गैदर योर सेल्फ. अभी रहेगा एक दो दिन, ओके, खुद को गैदर करो, फिर से एनालाइज करो कहाँ गलतियाँ हुई, क्या बेटर करना चाहिए था, वो करो, फिर से ट्रैक पे आ जाओ, एंड इंशाल्लाह कामयाबी साथ देगी उनका, सबका कामयाबी. बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने अच्छी बात बिल्कुल की, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल आबिद, उन्होंने ये भी बताया कि कामयाब होने के लिए या टॉप करने के लिए मेहनत तो शर्त होती है, लेकिन उसके अलावा जो बड़ी शर्त होती है वो लगन होती है, कि आप कितना दिल लगाकर और कितनी लगन से उस पर फोकस एक तरह से करते हैं. मैं सरोज आपके पास आना चाहूँगा. सरोज, जो पहला सवाल मैंने आपसे किया था कि निजी और प्राइवेट स्कूलों के तो नतीजे चलिए अच्छे होते हैं, वहाँ पर बहुत मेहनत की जाती है, लेकिन एक इन नतीजों में एक खास बात यह कि जो सरकारी स्कूल हैं उसके नतीजे बहुत शानदार रहे हैं, यानी सरकारी स्कूलों की जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार रही है. और इससे पहले भी हमने देखा था कि पूरे कश्मीर में सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट कराने के लिए बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही थी, जिस तरह के नतीजे आए हैं, अब वालिदैन के सरपरस्तों का एक भरोसा सरकारी कॉलेजेस और स्कूलों पर एक तरह से बढ़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, सही कह रहे हैं आप. एक तो जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई होती है और एलजी मनोज सिन्हा जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने खासा ही फोकस रखा था, जैसे हम अभी आपसे कह ही रहे थे कि जो गवर्नमेंट इदारे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पे खासा ही फोकस रहे. अच्छा, स्किल डेवलपमेंट पे भी खासा ही फोकस रहा है, ये भी आपको बता दें हम. तो जैसे ITIs हो गए गवर्नमेंट के, या पॉलिटेक्निक्स हो गए, या उसके मजीद जो है हायर सेकेंडरीज हुई गवर्नमेंट की, यही प्लान है कि जितना इनमें इनकलकेट कर पाए ये लोग, जितना इनको बेटर एजुकेशन दे पाए. क्योंकि देखिए, मेजोरिटी है यहाँ पे, आपको बता दूं रहा, अगर हम श्रीनगर की बात करें या हम जम्मू की बात करें, जो मेन सिटीज है वहां पे तो चलिए आप देख लेते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड कर पाता है, पेरेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, प्राइवेट स्कूलिंग हो गई. लेकिन बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे जो फार फ्लंग एरियाज है, जहाँ पे पेरेंट्स को तस्वुर भी नहीं है प्राइवेट एजुकेशन का, तो उनके लिए एक ही अल्टरनेटिव रहता है, वो है गवर्नमेंट का. और मैं आपको बता दूं, तभी कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रही है, और इस चीज को कहीं ना कहीं शायद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन समझ चुकी है कि मेजॉरिटी जो हमारे स्टूडेंट्स है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही आते हैं. तो क्यों ना जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज है या पॉलिटेक्निक्स है, ITIs है, इनकी बेस हम स्ट्रांग करें. क्योंकि अगर इनकी बेस स्ट्रांग रहेगी तो कहीं ना कहीं जो आपकी मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स की, उनकी तालीम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी. तो ये अच्छा स्टेप है. तभी आपने देखा कि कहीं ना कहीं अगर आज रिजल्ट आए और जो टॉपर्स हैं वो इन्हीं गवर्नमेंट स्कूल्स के ही हैं, ना कि प्राइवेट स्कूल्स के हैं. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए. आबिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शाहिद बशीर को एक बार फिर से हमारी तरफ से शुक्रिया बोलिए अपना कीमती वक्त देने के लिए.